की राजधानी बन चुके इंदौर शहर में दिन पे दिन अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही मामला परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां दिन दहाड़े तीन बाइक सवार युवकों ने एक युवक को गोली मारकर फरार हो गए, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का है। यहां का रहने वाला युवक ललित मीणा अपने घर के काम से बाहर जा रहा था, उसी दौरान कुलकर्णी का भट्टा क्षेत्र में रहने वाले तीन बदमाश ने उसे रोककर गोली मार दी। घायल ललित मीणा के मुताबिक तीनों से इसका पुराना विवाद है, पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारी गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं घायल ललित मीणा का उपचार एमवी अस्पताल में जारी है, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। गोली मार दी मेरे को। कौन था? किन्ने मारी? विनय। एग्जाम लेके चलना है। वो दौरहत्या कांड का आरोपी। किसके? दौरहत्या कांड का आरोपी विनय। वो संदीप है, शंकर कुमार के बगीचे में दारू बिकती है इसकी। वो सरवन है, ये पंप पे जा रहा था, पंप पे ड्यूटी करने। पेट्रोल पंप पे ड्यूटी करने के लिए, मतलब इसमें जीतू यादव का हाथ है। जीतू यादव का हाथ है? वो पिंटू का हाथ है। उनके उनके सामान से मारी मेरे को, उनने सामान दिया मारने के लिए। हत्या हो जाती मेरी, मैं भगता नहीं तो सर, नाला खुद के भगाऊं मैं। आप पे थे जब जा रहे थे? मेरी वही है, जाटो समाज के चौराहे पे खड़ी है। कहाँ काम करते हैं आप? पेट्रोल पंप पे मुन्ने भी आके परदेशीपुरा पेट्रोल पंप।